मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे, खबर जालौन से। उरई कालपी रोड स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के मामले में गठित 3 सदस्य जांच टीम को फिलहाल जांच के आदेश की प्रति नहीं मिली। जांच टीम के प्रभारी व जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अविनेश कुमार बनौधा का कहना है कि आदेश की प्रति मिलने के बाद वह अपनी जाँच शुरू करेंगे। डॉक्टर अविनेश कुमार बनौधा का कहना है कि हमारी टीम द्वारा निष्पक्ष जाँच होगी और पीड़ित को न्याय जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि बीते 15 अक्टूबर को सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में इलाज कराने को पहुंची श्यामा देवी पत्नी धर्मेंद्र निवासी ओरेखी का पत्नी की बीमारी के चलते ऑपरेशन किया जाना था। परिजनों का कहना है कि चिकित्सक ने ऑपरेशन के नाम पर उनसे 50,000 रुपए ले लिए और मनमाने तरीके से ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी असमय मौत हो गई। झांसी से वापस आने पर अस्पताल कर्मियों ने महिला को भर्ती नहीं किया। परिजनों का कहना है कि इतने ज्यादा पैसे लेकर भी उनका इलाज ठीक से नहीं किया गया, जिसकी वजह से महिला की जान चली गई। मृतका के परिजनों ने दोषी हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग। मृतका के परिजनों ने इसको लेकर जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडे को भी एक शिकायती पत्र देकर इस मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन डॉक्टर एनडी शर्मा ने भी इस मामले को गंभीरता से लेकर 3 सदस्य जांच टीम गठित कर दी। जिस तरह से शासन प्रशासन सक्रियता दिखा रहा है, उससे अब लग रहा है कि मृतका के परिजनों को जल्द ही न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई। अगर जांच टीम कई अहम पहलुओं पर हॉस्पिटल की जांच करेगी, जैसे उस दिन कौन कौन डॉक्टर हॉस्पिटल में मरीज को देखने आए, उसे किस सरकारी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बेहोश किया, तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे जबरा सूत्र से पता चला है, जब से 3 सदस्य जांच टीम गठित हुई, तब से हॉस्पिटल संचालक और उसके संरक्षकों में काफी हड़कंप मचा है। जालौन मेट्रो संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। बस एक मामला आया महिला की मौत के मामले में, एक टीम गठित की गई है सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। कुछ दिन पहले महिला की मौत हुई थी, कल पीड़ित के जो पीड़ित है, पीड़ित पक्ष है, उसने डीएम साहब से शिकायत की थी। सर क्या है पूरा मामला, क्या कुछ कहेंगे? एक महिला का पति कल आया था, हमारे पास आया था और जिलाधिकारी महोदय के पास जाने के उपरांत आया था शिकायती पत्र लेके। उसकी पत्नी की मृत्यु गॉलब्लैडर की पथरी के ऑपरेशन के दौरान जो है सिद्धि विनायक अस्पताल में हो गई है, और उसके संबंध में वो शिकायत करने आया था कि लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई है। तो उस शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमने 3 सदस्यीय समिति गठित करी है। CMS पुरुष चिकित्सालय डॉक्टर अवनीश कुमार की अध्यक्षता में, उसमें एक CMO है, एक सर्जन है, 5 दिन में इनसे रिपोर्ट मांगी है। अगर यदि कोई लापरवाही होगी और उसमें पाई जाएगी जांच में तो उसके रुकिए, क्या आप आज भी एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर व बैनर जैसे पुराने तरीके यूज करते हैं? अरे भाई, डिजिटल का है जमाना, फिर एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर क्यों लगाना? अब अपनी दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर या अपने बिजनेस का इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट करवाएं और पहुंचाएं अपने आसपास के लोगों तक बड़ी आसानी से, वो भी उनके फोन की स्क्रीन पर। और हाँ, ये सस्ता और ज्यादा इफेक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉन्टेक्ट करें। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।